नमस्कार, मैं दिनेश आप सभी का अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये EVS के प्रश्न हैं जो आपके पार्ट तीसरे पर पहुंच चुके हैं, यानी पार्ट तीसरे में हम 100 से 150 प्रश्नों के बीच हम बात करने वाले हैं। 1 से लेकर के 100 प्रश्न 2 पार्ट में बनाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। आज थोड़े से साइंस के प्रश्न हैं इसमें, तो ज़रूर देखिएगा EVS में। और अंत में वीडियो के हम बात करेंगे अपने कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जिसमें हम आपसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर आप सभी प्यारे विद्यार्थी प्रदान करते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक और इम्पोर्टेंट EVS के प्रश्न देखना ना भूलिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको इम्पोर्टेंट आज जो साइंस के प्रश्न हैं वो मिल जाएं। लीजिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, देख पा रहे होंगे 101 यानी 100 प्रश्न बनाए जा चुके हैं। 101 से आज स्टार्ट हो रहा है। जब किसी बोतल को पानी भरा जाता है, यानी पानी से हमने भर दिया है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आपने फ्रिज में रखा होगा बोतल को, अगर फुल भर दिया है और उसे फ्रीजर में डाल दिया है, जम गई है, तो बोतल चटक जाती है, टूट जाती है, क्यों? चारों विकल्प ध्यान से देखिए। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म होने पर फैलता है। राइट ऑप्शन चुन लिया होगा इसका, राइट ऑप्शन है ए विकल्प। पानी जमने पर फैलता है यानी अपना आयतन बढ़ा लेता है, इसलिए बोतल में वो पानी फुल भरा हुआ था, इसलिए बोतल चटक गई है। आंसर पहचान लीजिए, बहुत अच्छे टर्मोलॉजी लिए हुए हैं प्रश्न, टर्म हैं हर प्रश्न में, तो देखिएगा साइंस वाले प्रश्नों को ध्यान से। 102 प्रश्न, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो आँख की रेटिना होती है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे। 102 प्रश्न का राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा 102 प्रश्न का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 103, पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी, इस टेक्निक का नाम याद रखिएगा। अगर पेट में अंदर आंत में कुछ हो गया है, छाले हो गए हैं, तो उनकी खोज या अन्वेषण के लिए एंडोस्कोपी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस पर ये आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण? यहाँ पर इसका आंसर ध्यान से नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा पहला विकल्प, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित होती है एंडोस्कोपी। क्लियर है? अगला प्रश्न 104 आपके स्क्रीन पर, पानी का घनत्व निम्न में से किस ताप पर अधिकतम होता है? 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री या -4 डिग्री? राइट ऑप्शन ध्यान से इसका पहचानिए। अधिकतम घनत्व, डेंसिटी, सर्वाधिक घनत्व जल की कब होती है? जब पानी का तापमान 4 डिग्री होता है, ना कि माइनस। इसका आंसर ध्यान से नोट कीजिएगा, पर पानी जो है सर्वाधिक डेंस कब होगा? 4 डिग्री पर। क्लियर रहेगा आंसर 4 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 105 आपकी स्क्रीन पर, वर्षा की बूंद देखी होगी किस कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका, जो ड्रॉप्स गोल होती है ना, वो आपका सरफेस टेंशन के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 106 ध्यान से देखिएगा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये बहुत आसान और सिंपल प्रश्न है जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पानी के बर्तन में अगर आपने छड़ डुबो दी है तो वो तिरछी मुड़ी हुई नजर आती है, क्यों? परावर्तन, न्यूटन की गति के नियम, अपवर्तन या उत्प्लावन? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 106 का राइट ऑप्शन है अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण आपका छड़ क्या कहती है, मुड़ी हुई दिखती है, याद रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाँ यहाँ इंग्लिश इसकी अपवर्तन की होती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न 107 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, निर्जल बर्फ, ठोस CO2, ठोस H2O2? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, शुष्क बर्फ ठोस CO2 होती है, ध्यान रखिए इसका आंसर, बहुत बार प्रश्न आया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 108, भारी जल एक प्रकार का है, ये अभी हमने कमेंट बॉक्स में कल ही पूछा था, क्या होता है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है?
तो यहाँ ध्यान रखिए, ये शीतलक और मंदक दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और दोनों कन्फ्यूजन कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोसेस को स्लो करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं, ध्यान रखिएगा। मंदक आंसर होगा बी ऑप्शन, क्लियर है। प्रोसेस को हम विखंडन की प्रोसेस को, नाभिकीय विखंडन होता है ना, उसको स्लो कर देते हैं भारी जल के माध्यम से, तो क्या हो जाता है, मंदक। अगला प्रश्न 109, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है, उस प्रोसेस में कौन सी गैस को यूज करते हैं पेड़। राइट ऑप्शन दिख रहा होगा बी ऑप्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, आपने जब भोजन बनाता है ना पौधा, तो उसमें कौन सी गैस, CO2। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट 110, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। जो सिलेंडर देखा होगा ना, गोताखोर जब पानी में जाते हैं तो कौन सी गैस का मिश्रण भरा रहता है उस सिलेंडर में। राइट ऑप्शन पहचानिए, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने चुन लिया होगा आंसर। इसका आंसर हम बताते हैं बी विकल्प राइट है, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिक्सचर होता है उस सिलेंडर में गोताखोरों के। याद रखिए, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 111, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। कौन सा स्तनधारी नहीं है, यानी जो बच्चे को दूध ना पिलाए, वो ऑप्शन छांटना है, डॉल्फिन, मानव, बाघ या मगरमच्छ। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा डी ऑप्शन, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ अंडे देता है और ये दूध नहीं पिलाता है, बाघ, डॉल्फिन, मानव ये स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 112, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अपने मित्रों दोस्तों तक इन प्रश्नों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 112 प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यहाँ पर हम बता दें, जिस स्टूडेंट ने ये हमें भेजे हैं उसके पास वो किताब भी है और उस किताब में आंसर गलत दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से जो हम बताते चल रहे हैं ये रिसर्च करने के बाद ही आपको आंसर बताए जा रहे हैं। कुछ उस किताब में आंसर गलत दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से उस किताब में भी चेंज कर लीजिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। राइट ऑप्शन छोटी आंत, जो छोटी स्मॉल छोटी आंत है उसमें सर्वाधिक पाचन होता है भोजन का, यानी सबसे अधिक समय तक भी ठहरता है और पाचन भी सर्वाधिक होता है। 113 प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा। तो जो प्रोटीन है डाइजेस्ट होने पर ये अमीनो अम्ल अपनी मूल इकाई में बदल जाते हैं। आपको याद होगा प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर ही बनते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक होता है पाचन में अमीनो अम्ल में, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 114, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, स्टार्च, वसा या विटामिन का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 114 का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे आप, बी विकल्प, स्टार्च का पाचन करती है, मुख की जो टाइलिन लार है ना, लार वो मुख में जो निकलती है वो स्टार्च का पाचन करती है। अगला प्रश्न 115 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण किस में होता है। मानव शरीर में जो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है वो किस में, यकृत में, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। 115 का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, ये आपका फिर सही हो गया, छोटी आंत, क्योंकि भोजन छोटी आंत में ही ज़्यादातर पचता है, तो भोजन का रक्त द्वारा जो अवशोषण होता है ना वो आपका छोटी आंत में ही होता है, उसकी जो दीवारें हैं छोटी आंत की वहीं से एब्जॉर्ब चलता रहता है भोजन की जो एनर्जी है, हमारा रक्त लेता रहता है, तो सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 116, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। पेट में जो डाइजेस्ट होगा किसकी आवश्यकता होगी हमें, हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, सी ऑप्शन, एंजाइम्स की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, पानी की होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, खनिज की भी होती है, लेकिन एंजाइम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। आप पानी ना पिए खाना खाने के बाद फिर भी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर में कुछ पानी होगा, लेकिन एंजाइम के बगैर ये पाचन नहीं हो सकता है। अगला 117, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें तो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन है, पुष्प, पत्ती, तना या जड़। ध्यान से देखिएगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा, ट्रंक होगा या रूट होगा। तो जीवन लाइफ साइकिल के रूप में देखें तो पुष्प से ही फल बनता है, फ्रूट बनता है, बीज बनता है, तो लाइफ साइकिल के लिए ए ऑप्शन 117 का। अगला प्रश्न 118, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुँचाता है।
किसान का मित्र केचुआ कहलाता है। राइट ऑप्शन चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, पहचान लीजिए कौन सा है। 118 का ऑप्शन नंबर डी, भूमि यानी अर्थ को खोखला यानी सरंध्रता, कुछ उसमें छिद्र कर देता है, कुछ मिट्टी को जटिल कार्बनिक से सिंपल कार्बनिक में बदल देता है, तो ये आपका बहुत अच्छा कार्य करता है केचुआ, इसलिए किसान का मित्र कहलाता है। अगला प्रश्न 119, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है, ये क्लास में हम करा चुके हैं आपको, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, मूंगफली। मूंगफली के जो फल है ना वो भूमि में चले जाते हैं, आपको हमने क्लास में भी बताया था प्रयोग करके। अगला प्रश्न 120, गाजर क्या है, जड़, तना, पुष्प, पुष्पक्रम, इसका भी आंसर पहचान चुके होंगे। गाजर इज अ रूट, क्या है ये, कैरोट, कैरोट इज अ रूट है, जड़ है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 121, एम्फीबिया वर्ग बनता है, एम्फीबियन प्राणी आपको याद होंगे, ध्यान से, बहुत तेजी से चलने वाले जीव, केवल जल में रहने वाले, केवल स्थल पर रहने वाले, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले, तो 121 का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे। एम्फीबियन एनिमल या प्राणी जल और स्थल पर रहने वाले दोनों होते हैं, नोट कर लीजिए इसे। 122, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भेद यानी डेजर्टिफिकेशन वाला जो ट्री है वो कौन सा है, मरुद्भेद यानी मरुस्थलों में उगने वाले, पहचान चुके होंगे, सरसों, अमरबेल, करील या कोई नहीं। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, करील। करीला देखा होगा, कांटे कांटे होते, उसमें लीफ बहुत होती ही नहीं है, तो ये आपका क्या होता है, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 123, पौधे व पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी ऊपर बात कर चुके हैं हम, पौधे या पेड़ जब खाना रेडी करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है डी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्लियर है। दोनों रूप में हिंदी में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी रख देता है, ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं। 124, सबसे छोटा पक्षी, ये भी हम बता चुके हैं क्लास में, हमिंग बर्ड, सुना होगा ये, सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है 125, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमिलेप्सिन। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका, इंसुलिन एक हार्मोन है न कि एंजाइम है, इंसुलिन जो है वो आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि बाह्य ग्रंथियों के द्वारा कौन स्रावित होते हैं, एंजाइम, इनमें बारीक अंतर होता है। 125 का आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 126, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, क्लास में बहुत अच्छे से पहचाना होगा इसका एग्जाम्पल, अब आपको आंसर पहचानना है। 126 का राइट ऑप्शन आलू, आलू एक तना है, शकरकंद, गाजर और मूली ये जड़ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर आ चुका होगा, किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि की दर सही रूप से नापी जा सकती है, यानी जो तना यानी ट्रंक जो है वो आपका कैसे ग्रो कर रहा है, उस वृद्धि को वे मापने, मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ऑस्मोमीटर, पोटोमीटर। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, इसका है बी ऑप्शन, ऑक्सीनोमीटर के द्वारा पेड़ों की या तने की वृद्धि को मापा जाता है। 127 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 128, एपीकल्चर किससे संबंधित है, बहुत आसान प्रश्न है। 128 का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन यानी शहद, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर या इस कृषि में किया जाता है। अगला प्रश्न 129, सिल्वर कार्प क्या है या किसकी प्रजाति है, किसकी स्पीसीज है, किसकी किस्म है, मछली, पत्ता गोभी, फूल गोभी या टमाटर, नोट कीजिएगा अगर आपने सुना हो, मछली की प्रजाति है सिल्वर कार्प, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 130, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, जो एनिमल हैं सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। 130 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एनिमल पाए जाते हैं, दूध का भी उत्पादन यूपी करता है। अगला प्रश्न 131, किस में विटामिन सी सबसे अधिक, तो आपको सबको आ गया होगा, आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 132, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से, इरीगेशन किस मेथड से कर चुके हैं, कैनाल, नहरों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 133, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पानी में हवा का बुलबुला, याद रखिए पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन सा दर्पण या लेंस कार्य करता है,
डॉट डॉट में फिलअप करिएगा। 133 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका डी विकल्प। अवतल लेंस के माध्यम से कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला, कौन सा? कॉनकेव लेंस के माध्यम से कार्य करेगा। याद रखिए कॉनकेव लेंस के जरिए या कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा पानी में हवा का बुलबुला। याद रहेगा आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 134, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, टर्म इनमें रहती है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? यहाँ ध्यान रखिए पारा बहुत नीचे फ्राइज होता है और बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पारे का घनत्व अधिक होता है, ना कि बी ऑप्शन, ना सी, ना डी। इसका ध्यान रखिए पानी की जगह पारे का क्यों बैरोमीटर में करते हैं, जिससे उसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि घनत्व अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत नीचे होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वहाँ, वो ना तो जम पाता है क्योंकि बहुत डीपेस्ट है फ्राइजिंग पॉइंट और हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, पारे का डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न 135, जब बर्फ पिघलती है यानी मेल्ट होती है तो इसका आयतन बढ़ता है घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, तो द्रव्यमान से तो लेना देना नहीं है। अब आयतन की बात है तो देखिए जब बर्फ़ बनती है ना तो आयतन बढ़ता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, अब बचा कौन सा, बी ऑप्शन, आयतन घटता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 136, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यहाँ गौर कीजिए, अगर ये आपका बर्फ़ का टुकड़ा है एक और एक ये है, इन दोनों को अगर यहाँ से हम खिसका के प्रेशर दें दोनों को तो ये आपस में जाएंगे और यहाँ देखें तो यहाँ कुछ पानी होगा, ड्रॉप्स होंगे, पिघल रहे होंगे ये, और जब ये आपस में हम लड़ाएंगे रगड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, वो पानी का टेम्परेचर का तापमान गिर जाएगा, उस पानी का तापमान टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा और जाकर के ये बर्फ़ पुनः यहाँ पर जम जाएगी, यानी क्या होगा, गलनांक बढ़ गया, दाब दिया आपने यानी उन टुकड़ों को क्या दिया, दाब खिसकाया, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक यानी फ्राइजिंग पॉइंट बढ़ गया, तो ये आंसर बी होगा, दो ऑप्शन दिखे ही नहीं और आंसर तक पहुंच गए आप। अगला प्रश्न है 137 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है, यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का कॉर्क यानी ढक्कन खोल दिया जाए तो जल जम जाएगा, उबलने लगेगा, तापमान 25 डिग्री ही रहेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन विघटित हो जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा प्रश्न है ये, यानी 25 डिग्री का कोई पानी है तापमान है और उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस पानी का क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर नहीं है ये बात याद रखिए, इसलिए पानी क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, ये ध्यान रखिए आंसर, प्रेशर गायब है वहाँ पर, पानी बॉइलिंग जल्दी होने लगेगा यानी क्या हो जाएगा, खौलने लगेगा, 25 डिग्री सेल्सियस उसमें ऑलरेडी क्या था, पानी में टेम्परेचर था तो वो खौलने लगेगा, इसका राइट ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 138, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे ही ऊपर वाले प्रश्न जैसा है, दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मंसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट दिल्ली में 100 डिग्री सेल्सियस है और मंसूरी ऊंचाई वाले इस क्षेत्र का नाम लिया है इसने, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, मंसूरी में क्या होगा, एयर प्रेशर घटेगा तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से अधिक हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा 100 डिग्री से अधिक बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन सी विकल्प। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 139, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, 80 से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में लगा समय क्या होगा, ये थोड़ा सा टर्म बहुत अच्छी है समझिए, 90 से 80 तक 10 मिनट लिया है, 80 से 70 ठंडा होने में कितना समय लेगा वो जल, राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा पहले इसका सी विकल्प, 10 मिनट से अधिक समय लगेगा, गौर कीजिए अब अगर गर्मी है और चाय का कप रखा है तो अगर वो खोलता हुआ चाय का कप आया हुआ था तो उसमें टाइम लगेगा कम, और जैसे ही गर्मी के आसपास वाले में कप का तापमान आएगा तो उसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, फिर समझ रहे होंगे, और वहीं देखिए अगर ठंडे में खोलते हुए चाय को कप को ले जाएं तो तापमान बड़ी तेज़ी से गिर जाएगा, समझ रहे होंगे, यानी तापमान के जैसे ही नज़दीक तापमान आता है ना तो उसमें सिमिलरिटी यानी समानता आने में या गिरने में तापमान दर में समय अधिक लगने लगता है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न 140, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों?
राइट ऑप्शन पहचानिए, श्यानता के कारण, ससंजन या पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्थता। तो राइट ऑप्शन है 140 प्रश्न का बी विकल्प, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ये ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट 141, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ हैं फूड है उनको कंजर्वेशन करना है, सुरक्षित रखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम बेंजोएड या बेंजोइक अम्ल। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा सी विकल्प, सोडियम बेंजोएड का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अगला प्रश्न, विटामिन ए है, विटामिन ए क्या है, सिंपल प्रश्न है, पहचान चुके होंगे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी है, तो इनको पहचान लीजिए। अगला प्रश्न 143, अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं, अस्थायी कठोर जल में कौन कौन घुले होते हैं, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका बी ऑप्शन, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। अगला प्रश्न 144, समुद्री जल में नमक निम्न विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, जो ओशियन वाटर है उससे जो सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस है उस विधि मेथड का नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण या आसवन। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे बी विकल्प, वाष्पीकरण, यानी भाप बनना, जो पानी में नमक घुला है ना तो भाप बन जाता है, तो स्टीम उड़ने से नमक अकेला रह जाता है, तो उस विधि का नाम क्या है, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 145, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प व बीज नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं, आर्किडस, जिम्नोस्पर्म, फर्न, एंजियोस्पर्म। राइट ऑप्शन है इसका सी विकल्प, फर्न कहलाते हैं, जो कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं, सीधे डंठल से लग जाते हैं, लकड़ी या तने से ही अपना एक लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं, दूसरा पौधा तने से ही बन जाता है बगैर पुष्प या बीज के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 146, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये संस्था बहुत बार एग्जाम में आई है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता यानी कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी में स्थित है। अगला प्रश्न 147 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी जो अभी प्रश्न किया है उसी प्रश्न के आधार पर है, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है शिवपुर कोलकाता, जगह का नाम है शिवपुर कोलकाता, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय, याद रखिएगा अभी अभी प्रश्न किया है 146। अगला प्रश्न है 148, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, आपको याद होगा कोशिका का पावर हाउस पहचान चुके होंगे, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका ऑप्शन नंबर 148 का डी। अगला प्रश्न है 149, प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर किया जाता है, गोल्जीकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा 149 का है बी विकल्प, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 150, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने सी विकल्प, जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है उसी में ये शहर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड देश में WHO का यहां पर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, आप सभी ने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कल के कॉमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हमने आपसे कल पूछा था। कल हमने आपसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था, भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी है वो कब बनी है और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में। तो राइट ऑप्शन आप प्यारे स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, देख पा रहे होंगे पहला कमेंट आपको दिख रहा है सोनाली कुशवाहा जी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आए हुए हैं, देखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली 11 दिसंबर 1911 में बनी है लॉर्ड हार्डिंग के समय। और देख पा रहे होंगे रीमा राजपूत जी ने कमेंट दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1911 में आज ही के दिन कोलकाता के 1911 में आज ही के दिन कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने, 13 फरवरी को 1931 में उस समय के वायसराय गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया था, ये ध्यान रखिए डिटेल, उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। और देख पा रहे होंगे शिवानी गुप्ता जी ने एक और इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन की है, ये देख पा रहे होंगे डिटेल लास्ट वाली लाइन, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, इस राजधानी की घोषणा की, कोलकाता से क्या होगी, दिल्ली हो जाएगी राजधानी, और दिल्ली के वास्तुकार शिवानी गुप्ता जी ने डिटेल लिख भेजी है एडविन लुटियंस,
यानी दिल्ली के डिज़ाइनकर्ता वास्तुकार एडविन लुटियन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। और अगला कमेंट आप देख पा रहे होंगे आर्ट बाई प्रगति जी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल भेजी हुई है इन सभी विद्यार्थियों ने। तो ये जॉर्ज परचम, देखिएगा डिटेल, कुछ ना कुछ नया है, इसलिए कहते हैं जैव विविधता, आप सभी में डाइवर्सिटी है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है। दिसंबर 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में मुख्य अतिथि थे, बुलाए गए थे ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम, उन्हीं के स्वागत में ये अगस्त 1911 में, उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने राजधानी बनाने का फैसला लिया था। और 13 फरवरी 1931 को समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और देखिएगा डिटेल, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, स्किप मत करिए वीडियो। और देख पा रहे होंगे कमेंट आकांक्षा वर्मा जी का, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, देखिए यूनिक चीज़ हम खोज रहे थे, देखिएगा इनके कमेंट में यूनिक ये निकला, दिल्ली का दूसरा नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने कुछ ना कुछ यूनिक देखा है, इसलिए आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, विविधता है। तो देख पा रहे होंगे आकांक्षा वर्मा जी ने लिख करके भेजा है दिल्ली का दूसरा नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है। और ये देख पा रहे होंगे आर्टवाई प्रगति जी का डिटेल था, शिवानी गुप्ता जी ने बताया है एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये आपका बताया हुआ है इरविन के समय उद्घाटन रीमा राजपूत जी ने बता रखा है, और लॉर्ड हार्डिंग ने आपका इसका ट्रांसफ़र किया था सोनाली कुशवाहा, और आप सभी ने बताया हुआ है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर बताइए, हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रदान करते रहेंगे। अब बारी है आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, आज आपको लिख करके बताना है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, यानी ये प्रधानमंत्री कब बने और इनका देहावसान कहाँ पर हो गया था और कौन सा समझौता चल रहा था, क्या स्पेशल था उस समझौते में, तो ये हमें कुछ डिटेल प्रदान कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। क्लियर है, किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, कौन सा समझौता हो रहा था जहाँ इनका देहावसान हुआ था, जगह के बारे में जितना आपको याद हो। क्लियर है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।